हेलो फ्रेंड्स, सोनल बेकिंग कुक में आपका स्वागत है। आज मैंने ये बहुत ही बढ़िया मस्त चटपटी करारी भिंडी बनाई है और जो कि बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। चलिए मैं आज आपको बताऊंगी इसे आपको कैसे बनाना है। इसे मैं आपको बाउल में निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत ही क्रंची करारी चटपटी बनी है, खाने में तो बता रही हूँ बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आती है। ये लीजिए, ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है ना। चलिए मैं अब आपको बताऊंगी कि झटपट से इतनी अच्छी चटपटी करारी भिंडी कैसे बनानी है। आज हम करारी कुरकुरी भिंडी बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। उसके लिए ये देखिए, यहाँ पर मैंने भिंडी को बहुत अच्छी तरह से धो के सुखा लिया है। जब भी हमें भिंडी की सब्जी बनानी हो तो भिंडी को हमें पहले अच्छे से धो के और उसे सुखा लेना होता है, नहीं तो क्या होता है, वो भिंडी का जो लसलसापन होता है वो सब्जी बनाने में आता है, तो जो भिंडी होती है वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाती है। तो इसे हमें सबसे पहले कट करना है। हम इसे साइड में रखेंगे और भिंडी को हमें इस तरह से पतले पतले लंबे पीसेस में कट कर लेना है। ये देख रहे हैं, इस तरह से हम सभी भिंडी को पतले पतले लंबे पीसेस में कट करेंगे। इसी तरह से हमें सभी भिंडी को एकदम पतला पतला, आप देख रहे हैं ना मैं कितने पतले पतले इसके पीसेस कर रही हूँ, ऐसे हमें पतले पतले इसके पीसेस कर लेने हैं। यहाँ हमने भिंडी को कट कर लिया है, सभी भिंडी हमारी कट कर तैयार हो गई है। अब हम एक बर्तन लेंगे, इस बर्तन में हमें ये भिंडी को डाल देना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये बेसन, ये 3 बड़े चम्मच बेसन है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन, आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम लेंगे हाथ में थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से क्रश करके इसमें डाल देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, तीखा आपको जितना रखना हो आप रख सकते हैं। उसके बाद इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच आमचूर। आमचूर डालने से सब्जी में जो टेस्ट आता है इसमें करारी भिंडी में बहुत ही अच्छा आता है, खट्टी खट्टी सी। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। भिंडी में अच्छी तरह से जो भी हमने मसाले बेसन डाले हैं उसकी कोटिंग अच्छे से लग जानी चाहिए। देखें, अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि जो भिंडी का मॉइस्चर होता है और नमक होता है उससे ये गीली हो जाती है, लेकिन हम देखेंगे यदि इसमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे, लेकिन इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो भिंडी होती है जब इसमें नमक पड़ता है तो नमक तो हम जिस भी सब्जी में या अचार में कहते हैं ना डालने के बाद वो पानी छोड़ता है, उसी तरह से इसमें भी होता है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि जो भिंडी है थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाए। मॉइस्ट मतलब इसलिए ताकि जो हमने बेसन डाले हैं इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए अभी वैसे ही धीरे धीरे ये सॉफ्ट होने लग गई है, पहले लग रही थी ना कि एकदम सूखी सूखी सी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया नमक जब हम इसमें डालते हैं भिंडी में तो ये मॉइस्ट हो जाती है और ये जो पूरा बेसन है इसमें ये मिक्स हो जाएगा, तो इसलिए हमें इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 से 10 मिनट में ये जो भिंडी है कितनी बढ़िया एकदम मॉइस्ट हो गई है। मैंने बोला था ना इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इस तरह से ये भिंडी हो जाएगी। तो अब ये तलने के लिए एकदम तैयार है, इसलिए मैंने यहाँ पर पैन चढ़ा दिया है और तेल गरम हो रहा है। तेल गरम हो गया है, अब हम इन भिंडियों को इसमें इस तरह से थोड़ी थोड़ी लेकर डालेंगे। उतनी भिंडी डालिए जितनी इस कढ़ाई में आ सकती है। बस हमें इसे तेज आंच में ही फ्राई करना है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला था आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा
कि जब भी आप भिंडी को धोएं, धोने के बाद उसका पानी अच्छी तरह से पोंछ लें, नहीं तो भिंडी कैसे लिसलिसी होती है। ये देखिए, हमें बढ़िया अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए, अभी जो तेल का जैसे हिलना बंद हो जाता है, इससे समझ में आता है कि ये जो भिंडी है अच्छे से हो गई है। इसमें कोटिंग देखिए कितनी बढ़िया हुई है, वाव। हम ये जो एक्स्ट्रा तेल है कलछी को इस तरह से करके निकाल लेना है और हम इसमें निकाल लेंगे, ताकि जो भी और भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तेल है, हम इस छन्नी को प्लेट में रखेंगे तो तेल नीचे निकल जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी एकदम करारी भिंडी हो गई है। इसी तरह से हम सभी भिंडियों को बहुत अच्छी तरह से तल लेंगे। इसे भी हम निकाल लेंगे। कितनी बढ़िया करारी भिंडी बनकर तैयार हो रही है। क्या होता है फ्रेंड्स, सब्जी को हम अलग अलग तरीके से बना के खा सकते हैं। एक ही तरीके से बनाएंगे खाएंगे तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं और घर वाले भी बोर हो जाते हैं, तो आप इस तरह से अलग अलग स्टाइल से बढ़िया बना सकते हैं भिंडी भी। सभी भिंडियाँ इसी तरह से हमने तल लिया है और इसे हम इसे भी निकाल लेते हैं और गैस को कर देंगे अब हम बंद। ये देखिए, मैंने सभी भिंडियों को बढ़िया अच्छे से फ्राई कर लिया है। एकदम करारी क्रंची हमारी भिंडी बनकर तैयार है। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कितनी करकरी बनी है। ये देखिए कितनी कुरकुरी बनी है, आवाज़ आ रही है ना, एकदम अच्छी क्रंची कुरकुरी भिंडी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। ये लीजिए, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल दीजिए। बस बढ़िया चटपटी करारी कुरकुरी भिंडी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे इस तरह भी खा सकते हैं और यदि आपको इसे पराठे के साथ खाना है तो पराठे के साथ भी खा सकते हैं। मान लीजिए दाल चावल वगैरह बन रहा है, कुछ सूखी सब्जी बनाने, तो सूखी सब्जी ऐसे उसकी जगह आप ये भी बना सकते हैं और मस्त खा सकते हैं। तो बनाइए झटपट करारी भिंडी। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड, और चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक ज़रूर करें सोनल की।